नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे कि कोविड के पेशेंट्स को जो है सीटी स्कैन जो चेस्ट का होता है वो कब कराना चाहिए। तो सीटी चेस्ट जो हम कराते हैं कोविड पेशेंट्स में वो होता है नॉर्मल सीटी नहीं होता है, एचआर सीटी होता है, हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट होता है। तो ये कब कब कराते हैं, हम कब बोलते हैं कराने के लिए, तो इसमें सबसे पहला आता है कि अगर आपका हमेशा देख रहे हैं कि सेचुरेशन 95 से अगर नीचे रह रहा है तो इस कंडीशन में बोला जाता है पर्सन को कि आप जो है टेस्ट कराइए। हो सकता है कि चांसेस ऑफ न्यूमोनिया जो है और जो कि आपका सिटी स्कैन से वो पता चलेगा कि कितना लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ है। दूसरा आता है कि अगर आप 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो गया है पहला सिम्टम से, जब से आपका पहला सिम्टम शुरू हुआ उससे 5 6 7 दिन हो गया, आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव था और उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाई फीवर रह रहा है, तो इस कंडीशंस में भी हम बोलते हैं हाई मतलब 101 102 ऐसा फीवर रह रहा है और आपको पैरासिटामोल 2 बार 3 बार खाने की जरूरत पड़ रही है, उस कंडीशन में भी हम बोलते हैं कि आप जो है सीटी स्कैन जो है चेस्ट एचआरसीटी चेस्ट कराइए। उसके बाद देखते हैं कि जो है 5वां 6ठा दिन के बाद भी देख रहे हैं कि खांसी परसिस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा खांस रहे हैं, बोलते टाइम भी खांस रहे हैं, पूरा स्पीच आपका कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी बोला जाएगा करने के लिए। उसके बाद एक कंडीशन बनता है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी चलना शुरू करते हैं तो आप काफी ज्यादा हार्ट रेट और पल्स रेट ये सब काफी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा 100 110 120 ऐसा पल्स रेट बढ़ना शुरू हो जा रहा है, आपका सेचुरेशन कम ना शुरू हो जाता है, आप खांसने लगते हैं, आपका सांस फूलने लगता है, तो ये सब कंडीशंस में जनरली बोला जा रहा है कि आप एचआरसीटी जो है चेस्ट कराइए। उसमें देखा जाएगा कि लंग इन्वॉल्वमेंट कितना है, कितना परसेंटेज लंग इन्वॉल्वमेंट है, क्या सीवियरिटी है इसकी और उसके हिसाब से जो है ट्रीटमेंट मॉडिफाई किया जाए। और एक कंडीशन है कि अगर आप बहुत कमजोर हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा जो है फिजिकली बहुत कमजोर हो गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी खड़े होने पे आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, तो जनरलाइज जो वीकनेस हुआ है शरीर में, इस कंडीशंस में भी हम बोलते हैं कि एचआरसीटी करा लीजिए। एक और कंडीशन होता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, 3 4 दिन हो गए हैं और अगर आप देख रहे हैं कि ये दोनों छाती के बीच में जो है आपको काफी ज्यादा घुटन हो रहा है या एक तरह से बोले कि कंजेशन हो रहा है, सांस फूल रहा है, तकलीफ ज्यादा हो रही है, तो इस कंडीशन में भी बोला जाता है कि चांसेस ऑफ निमोनिया है, तो आप इस कंडीशन में जो है कोविड निमोनिया है तो इस कंडीशन में आप जो है एचआरसीटी चेस्ट करा लें। और एक है कि अगर 6 मिनट वॉक टेस्ट आपका पॉजिटिव आया है, 6 मिनट वॉक टेस्ट जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो इसमें है कि अगर आप 6 मिनट चलते हैं उसके बाद अगर देख रहे हैं कि सेचुरेशन 93 से नीचे जा रहा है या जितना भी आपका जो सेचुरेशन था 98 था या 97 था उससे 3% से ज्यादा नीचे जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये 6 मिनट वॉक टेस्ट जो है पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में भी हम बोलते हैं कि लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, इसलिए एचआरसीटी जो है एडवाइस किया जाए। और एक कंडीशन है कि आपका ब्लड का जो पैरामीटर्स है, ब्लड में कुछ खास टेस्ट कराते हैं, मैंने यहाँ दिया है आप देखें, इसमें है कि जैसे कुछ खास टेस्ट में सीआरपी हो गया, इंटरल्यूकिन 6 है, उसके बाद फेरिटिन है, एलडीएच है, एसजीपीटी एसजीओटी, उसके बाद डी डाइमर और प्रोकैल्सिटोनिन, तो ये सब चीजें अगर आपका देखना जा रहा है कि बहुत बढ़ा हुआ है, नॉर्मल रेट से काफी ज्यादा आ रहा है, तो फिर तुरंत आप जो है आपको बोला जाएगा कि एचआरसीटी कराइए, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, शरीर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन में जरूर जो है चांसेस है कि लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ है, इसीलिए फिर आपको बोला जाएगा कि एचआरसीटी चेस्ट आप कराइए। और एक कंडीशन है कि जो आदमी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब ऑलरेडी जो है कैंसर की दवा चल रही है या इम्यूनो सप्रेशेंट्स चल रहा है, जिनका ऑलरेडी जो है हार्ट डिजीज है, एज काफी ज्यादा हो गया है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, लीवर डिजीज है, तो इन सब किडनी डिजीज है, तो इन सब पेशेंट्स में जो है यूजुअली हम लोग करा लेते हैं। मेजोरिटी ऑफ केसेज जो है कोविड केसेज में उसमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है, लंग इन्वॉल्वमेंट जनरली नहीं होता है, मतलब मान के चले कि अगर 85% अप टू 85 टू 90% जो केसेज है उसमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है, लंग इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं होता है तो एचआरसीटी की जरूरत भी नहीं है इन केसेज में। यूजुअली day 3 के बाद से ही, जब से आपका पहला सिम्टम आया तो 3रे दिन के बाद से ही यूजुअली सीटी स्कैन करवाते हैं लोग, 4था दिन 5वां दिन और उसके बाद ही कराते हैं, क्योंकि उससे पहले 3रे दिन से पहले सीटी स्कैन में जनरली चेस्ट आप कराएंगे तो जनरली कुछ फाइंडिंग्स नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहला दिन आपका सर्दी बुखार हुआ और आप टेस्ट करना शुरू टेस्ट करा लिए सीटी स्कैन खुद से, उसमें कुछ नहीं आएगा और फालतू का रेडिएशन आपको मिल जाएगा, रेडिएशन तो उसमें होता ही है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन काफी कॉस्टली है, आदमी को जो है मूव करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, गाड़ी से ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि घर पे तो ये होगा नहीं, तो ये सब चीजें आती है दिक्कत। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार जब तक आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करें और ऐसे जो सिम्टम्स मैंने बताया ऐसा नहीं है, आप अपने डॉक्टर से बात करें कि ऐसा अगर सिम्टम हो रहा है तो आपको जरूर सीटी बोलेंगे, अदरवाइज जनरली जो है सीटी स्कैन सबको कराने की एकदम जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही एकमात्र मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक जो भी जरूरतमंद है उन तक ये चीज़ें पहुँचें।
इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज पहुंचे।